आज इस फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, ज्ञान की उंगली का छोटा होना और लो सेट होना ज्ञान की कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 28% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है, टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मनी मैनेजमेंट तो इनका काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है, कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है, फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट होता है अपनी बात को रखने का या उस घटनाक्रम को सही तरीके से शब्दों में ढाल करके बयान करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और, पूरा का पूरा मामला इनके ही खिलाफ चला जाता है। फैमिली के लोग इनको ही ये गलत समझ बैठते हैं और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। लिटिल फिंगर हल्का सभी झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इंप्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका बिल्कुल भी नहीं है, अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका स्ट्रेट है, स्ट्रेट अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है, इस वजह से दोस्तों की संख्या आपकी लिमिटेड होती है या कम, बहुत कम होती है। ये वाला पार्ट अंगूठे का जब इस वाले पार्ट से बड़ा होता है, ऐसे लोग किसी पर भी भरोसा नहीं करते, किसी पर भी यकीन नहीं करते। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ना तो जुपिटर से ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं, पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। माइंड लाइन आपकी सेपरेट होके चल रही है, इंडिपेंडेंट होके चल रही है लाइफ लाइन से, जिद्दी होते हैं, अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं, किसी की भी दखल अंदाजी अपनी लाइफ में इन्हें अच्छी नहीं लगती, चाहे वो इनके माता पिता ही क्यों ना हो। काफ़ी कम आयु से अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेने की वजह से कम आयु में ये सफल भी हो जाते हैं। जुपिटर से इनिशिएट हुई है माइंड लाइन इनकी, पॉजिटिव सोच होती है, अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं और सफल होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन पावर काफ़ी हाई रहता है और माइंड लाइन आपकी काफ़ी बड़ी है। ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डिप नॉलेज इनके पास होता है, थोड़ा सा ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहता है। माइंड लाइन माफी जी का लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी, और इस तरह से लाइफ लाइन जब गोलाई में विनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग जाते भी हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे हैं। साथ ही जब ब्रांचेस निकल जाएं और वो ब्रांच आपका लाइफ लाइन का कहीं ना कहीं मून माउंट की तरफ देख रहा हो या मून माउंट की तरफ जा रहा हो, और साथ ही गोलाई में जब विनस माउंट को लाइफ लाइन घेरती है, ऐसे लोगों के हाथ में यदि गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, ये लोग IAS, IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। इफ अगर गवर्नमेंट जॉब के साइन नहीं है तो बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। लक लाइन आपकी विनस माउंट से इनिशिएट हुई है, पॉजिटिव, काफ़ी ऑस्पिशियस ये माना जाता है। ये लक लाइन बताता है कि ऐसे ही लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होगा, या शादी के बाद लक इनका ज़्यादा साथ देता है। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है ना तो मून माउंट से और ना ही ये मार्स माउंट से है, मिड से है, तो ऑब्वियस है कि दोनों के गुण हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, इनफैक्ट अति बुद्धिमान होते हैं, अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पे समाज में अच्छा खासा नाम कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। आपके हाथ में एक साइन है जिसका जिक्र मैं लास्ट में करने जा रही हूँ, अभी उसको रिवील नहीं करूँगी, लेकिन लास्ट में आपको दिखाऊंगी, वो साइन काफ़ी खास है। जुपिटर का माउंट आपका शानदार है, बढ़िया है, काफी स्पेस लिए हुए है,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सैटर्न के तरफ और राहु की तरफ। जब आपका जुपिटर का माउंट शिफ्ट हो जाता है या खिसक जाता है अपने स्पेस से राहु की तरफ या सैटर्न माउंट की तरफ, ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और मैरिज लाइफ तीनों कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है। और जब ये राहु की तरफ आता है, ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं उन्हें लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशियों का ख्याल रखते हैं, उनकी खुशियों का कोई भी ध्यान आप नहीं रखते, आपको वो सेल्फिश समझते हैं। इनफैक्ट आपके लाइफ पार्टनर ही नहीं बल्कि आपके बच्चे भी आपको सेल्फिश समझने लग जाते हैं, जिस वजह से दूरियां कायम हो जाती है। इसका पहला रेमेडी यही है, क्योंकि आप अपने लाइफ पार्टनर से और अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उनके लिए अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आप बताते नहीं हैं उन्हें कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है या क्या कुछ किया है। तो सबसे पहला रेमेडी यही है, शादी होने के बाद आप बताइएगा अपने लाइफ पार्टनर को, अपने बच्चों को, कि आपने उनकी खुशियों के लिए क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि बिना बताए बिना मांगे तो भगवान भी कुछ नहीं देते हैं। हार्टलाइन आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखते हैं, किसी के साथ भी अपनी फीलिंग को शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इफ़ अगर मैंने बता दिया है, क्योंकि मुझे याद नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर मैंने बता दिया है तो हॉटलाइन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो ये माउंट्स के स्पेस को कम कर देती है। पर्वतों की जगहों में कमी आने का मतलब होता है कि उसके गुणों में कमी आ गई है। अब पर्वतों के गुणों में कमी आ गई है मीन्स आपको संघर्ष तो देखना ही होगा, लाइफ में कुछ वक्त ऐसा आएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा और ये सफलता में देरी का सूचक भी होता है। देखिए सैटर्न माउंट को स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, इस वजह से इसके गुणों में कमी आ गई है, ये संघर्ष करवाएगा। सन माउंट यहाँ से जब हल्का सा भी दब जाता है और स्पेस कम सन माउंट ले रहा है, ये भी आपको संघर्ष करवाएगा और संघर्ष के बाद ही सफलता देगा। अपने मन की बात आप सही से कह नहीं पाते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम दूसरी पिक लेते हैं। एक बार दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की काबिलियत तो है आपके अंदर, क्योंकि दो तीन लाइन हैं आपके हाथ में, इसीलिए सलाह बहुत बढ़िया देते हैं आप। इस तरह से जब लूप बनता है मर्क्यूरी के माउंट पे, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। इनमास बढ़िया है आपका, हेल्थ को लेकर के कोई खास इश्यूज आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कहने के लिए रहता है कि आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट जब बैक साइड हल्का सा भी आपको झुका हुआ लगे, कभी कभी हथेली को देखिएगा, आपको लगेगा कि ये वाला पार्ट इस तरफ जा रहा है। ऐसे लोगों को जीवन में सफलता मिलती है, बहुत मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है। दिक्कत यही है कि थोड़ा लेट हो जाता है सफलता मिलने में, थोड़ी लेट हो जाती है। आउटर मास अच्छा है आपका, बढ़िया है। अपनी पसंद के लोगों से आप जैसे लोग जब मिलते हैं बहुत अच्छे से उन्हें वेलकम करते हैं, जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं आपके पहले रिएक्शन से ही उन्हें समझ में आ जाता होगा। एंड निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, डरते नहीं हैं किसी से, बढ़िया है। एक काम करते हैं, हम साइन पहले रिवील कर देते हैं, उससे फ़ायदा ये होगा कहीं मैं भूल ना जाऊँ, मुझे डाउट भी रहता है कभी कभी। ये देखिए ये सन माउंट है, ठीक है, इसके नीचे दूसरा कलर यूज़ करते हैं। ये सन माउंट है, इसके नीचे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मिस्टिक क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है। अब मिस्टिक क्रॉस है तो लोगों के मन में भी जिज्ञासा रहती है कि जिनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस रहता है इन्हें तो सभी चीज़ें पहले से पता होती हैं, पूर्वाभास हो जाता है, छठी इंद्रिय इनकी जागृत होती है। देखिए होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन मिस्टिक क्रॉस किस माउंट के नीचे बना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए मिस्टिक क्रॉस सैटर्न माउंट के नीचे बना है, यहाँ पे बना हुआ है, तो ये आपकी छठी इंद्रिय को जागृत करता है। ऐसे ही लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, समाज से जुड़ना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ अच्छा होने वाला है अच्छे से इन्हें समझ में आता है, कुछ बुरा होने जा रहा है ये भी इन्हें पता चल जाता है, चाहे माध्यम कुछ भी हो, सपनों के ज़रिए या कभी कभी इन्हें कुछ घबराहट सी होती है। अचानक से सुबह उठे तो मन अच्छा लग रहा है, चीज़ें बेहतर फील हो रही है, तो इस तरह से इन्हें इन चीज़ों का आभास होता है, पूर्वानुमान होता है आने वाले कल का।
और सपने ज़्यादा ही नहीं आते हैं, सपनों के ज़रिए ही ख़ास करके ये अपने फ्यूचर को देख पाते हैं या किसी और के फ्यूचर को ये देख पाते हैं। ऐसे लोग एक वक्त के बाद फैमिली में रहते हुए भी, जब एज आ जाती है इनकी, बुढ़ापा इनके ऊपर आ जाता है, एक फैमिली में रहते हुए भी ये लोग एकांत में जीवन जीते हैं। लोगों से घुलना मिलना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आध्यात्म की तरफ इनका रुझान बढ़ जाता है। लेकिन यही मिस्ट्री क्रॉस, यदि देखिए सभी माउंट्स के नीचे तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन स्पेसिफिक जो आपके हाथ में साइन है, मैं सिर्फ उस माउंट के नीचे आपको बताने जा रही हूँ। आपके हाथ में सन माउंट के नीचे है, अब इसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे? पहली चीज़ ये, जिस माउंट के नीचे मिस्ट्री क्रॉस होता है ये उसके गुणों को अपना लेता है। अब सन माउंट के नीचे है तो सन सूर्य देव के जो गुण हैं वो आपके अंदर आएंगे। गुस्सा आएगा आपको, पॉजिटिव ही है, कहने के लिए मैंने बोल दिया, गुस्सा भी आएगा आपको। अच्छी चीज़ ये है, ये पद दिलाता है, ये सम्मान दिलाता है, दिलाएगा आपको क्योंकि ये सन माउंट के नीचे है, ये पैसा दिलाएगा आपको क्योंकि ये सन माउंट के नीचे है, फेम बहुत मिलेगा आपको। जिनके भी हाथ में मैंने आज तक, बहुत कम लोगों के हाथ में मैंने सन माउंट के नीचे मिस्ट्री क्रॉस देखा है, ऐसे लोगों को पद बड़ा मिलता है जीवन में, बहुत बड़ा पद। अब जहाँ तक रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो जी हाँ, आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन है कि नहीं है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ मिस्ट्री क्रॉस है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के आपके 90% चांस बन रहे हैं। और बड़ा पद, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है हो ना हो क्लास वन ऑफिसर बनने के पूरे चांस हैं आपके। हाँ, पूर्वानुमान होता होगा आपको, पूर्वाभास होता होगा, कोई भी घटनाक्रम या भविष्य में होने वाली घटनाओं का कुछ ना कुछ आभास तो आपको होता होगा। देखिए 100% जो होता है, जब मिस्ट्री क्रॉस सैटर्न माउंट के नीचे आता है, ऐसे लोगों की छठी इंद्रियां जागृत होती हैं, कुछ ज़्यादा जागृत होती हैं, पूर्वानुमान इन्हें पहले हो जाता है, ये आपको बता सकते हैं कि आने वाले कल में कब कुछ बुरा होने जा रहा है, तो ये पहले बोल देंगे कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा होने जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। साथ ही कुछ अच्छा होने वाला है तो ये बोल देंगे कि हाँ आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया कुछ होने जा रहा है। लेकिन जब सन माउंट के नीचे आता है तो इसके गुणों में थोड़ी सी कमी आ जाती है, आपको आभास होगा लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे उसे, लेकिन एक गेज के बाद आई थिंक आफ्टर 60 ये आपको इस क्षेत्र में, मीन्स छठी इंद्री वाला जो पार्ट है आपका वो एक्टिवेट होगा आफ्टर 60, उससे पहले नहीं। उससे पहले पता भी चलेगा आपको, समझ भी आएगा, लेकिन आप कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे, आपको मिक्स्ड वाली फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि कुछ घबराहट होगी फिर, लेकिन फिर आप अपने आप को शांत कर लेंगे, आपको लगेगा नहीं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% श्योर नहीं हो पाएंगे आप कि आप भविष्य को देख पा रहे हैं, लेकिन पद दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, पैसा खूब होगा आपके हाथ में। माफ कीजिएगा मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इस वजह से फंबल्स ज़्यादा हो रहे हैं। मिस्ट्री क्रॉस है आपके हाथ में, ऑस्पिसियस साइन है, इसका अलग से मैं शॉर्ट बना करके यूट्यूब पे डालने जा रही हूँ। आपके हाथ में नेशनल फेम बहुत बढ़िया है, शानदार है, मुझे आपका हाथ गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा लग रहा है। इस तरह से जब नेशनल फेम होता है इंसान के हाथ में और अच्छा होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी इनकी लगती है। छोटा सा ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी, स्क्वायर भी है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर के हाथ में जो साइन चाहिए सन माउंट पे, वो सभी हैं आपके हाथ में। कोई ना कोई लाइन सैटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनाती हुई, वो भी है, फिश का साइन भी है। ट्रायंगल है, छोटा सा है, पद दिलाएगा ये आपको,
स्क्वायर हैं, बड़े घर में रहने का सपना, बंगलो वगैरह में रहने का सपना है आपका, वो पूरा हो जाएगा। लाइफ लाइन से कोने कोई लाइन, जुपिटर की तरफ जाती हुई, वो भी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपकी जो लक लाइन है, यहाँ से मर्क्यूरी लाइन का निकलना। तो पहले जो जॉब लगेगी आपकी वो क्लास टू ऑफिसर की लगेगी, और उसके बाद फाइनली आप क्लास वन ऑफिसर बनेंगे। आपके हाथ में साइन बहुत अच्छे हैं, आप बिज़नेस भी बहुत अच्छा करने वाले हैं या करने वाले हैं, और जॉब तो है, क्लास वन और क्लास टू दोनों हैं आपके हाथ में। थोड़ा संघर्ष रहेगा क्योंकि आपके आपका जो सन लाइन है वो एक छोटा सा सन लाइन आपका मार्स की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। इस तरह से जब सन लाइन आती है किसी के भी हाथ में, ये संघर्ष करवाता है। जो काबिलियत है आपकी उस हिसाब से सफलता आपको देरी से मिलती है। पैसा बहुत होगा, दो तीन लाइन्स, ये जो लक लाइन है आपकी ये पैसा बहुत देती है। शानदार लक लाइन, शानदार है आपकी। शादी आपकी कब होगी वो जब लाइफ लाइन पे आएंगे तब बताएंगे आपको, लेकिन मैरिज लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। क्योंकि दिक्कत क्या है, आप खुद भी डोमिनेटिंग हैं और आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो भी डोमिनेटिंग होंगे। एक म्यान में दो तलवार टिकती नहीं है, है ना, तो वो वाली दिक्कत है आपके साथ। वो भी तानाशाही रवैया होगा उनका भी, और आपका भी तानाशाही रवैया है, तो कहीं ना कहीं क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे, झगड़े बहुत होंगे आप लोगों के अंदर। तो थोड़ा सा आप क्या कीजिए, अभी से अपने आप को, जैसे फैमिली है, मम्मी पापा के साथ आप रहते हो, ठीक है, तो थोड़ा सुनो, उनकी सुनने की आदत रखोगे आप, अपने आप को सुधार लो पहले। सुधार लो मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई खामी है, आप सुनते नहीं हो ना किसी की, तो थोड़ा सा सुनना आप स्टार्ट कर दो, उससे आपको आदत लग जाएगी। लोगों ने, मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर ने कुछ कहा भी, आपका मन नहीं भी है, तब भी आप उसको इग्नोर करना सीख जाओगे। तो बस वही है, इसका रेमेडी यही है कि आप पहले तो घर से ही इनिशिएट कीजिए, घर के लोगों की सुनिए, अपनी मॉम डैड की सुनिए, सबकी नहीं सुनना सुननी चाहिए, मॉम डैड की सुनिए, उनकी बात का मान रखिए, सम्मान रखिए, बस यही है। और आगे चल कर के ऐसे अगर यही रहा जिस तरह की अभी आपकी सोच है, अभी आप किसी सुन नहीं सुनती या सुनते होंगे, तो फिर आगे दिक्कत है। लाइफ पार्टनर कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग है आपके। पहली जो संतान होगी आपकी वो लड़का होगा और दूसरी संतान आपकी लड़की होगी। लाइंस काफ़ी क्लियर हैं आपके हाथ में। कुछ लोग पूछते भी हैं सवाल की, बता दीजिए मेरे हाथ में संतान की कितनी रेखाएं हैं। लाइंस इतने ज़्यादा झिकझक भरे हुए रहते हैं, मैं नहीं कह पाती हूँ, कन्फ्यूज हो जाती हूँ। और कभी कभी लोग पूछते भी नहीं है सवाल, लेकिन लाइंस इतने क्लियर होते हैं कि कहना ही पड़ जाता है। ट्राइंगल है आपके मर्करी के मार्ग पे, बहुत अच्छा साइन होता है ये। जब ट्राइंगल होता है ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसे तो आपकी माइंड लाइन भी बताती है कि आप अति ज्ञानी हैं, बट ये आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता ये देता है। कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस का काम चल रहा है या किसी से कोई काम निकलवाना है, आप वहाँ पे हैं, आप आराम से किसी से भी कोई काम निकलवा सकते हैं अपने बोलने की क्षमता की वजह से, या कन्विंसिंग कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी है। एक काम करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके हाथ में साइन शानदार है, बहुत अच्छे अच्छे साइन है, ट्रायंगल है। आप अपनी अपनी दम पे, अपनी क्षमता से आप बहुत आगे जाओगे। अब इस वाइज एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं, अन्यथा बहुत देरी हो जाएगी, लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत। कोई भी एज एनालिसिस होता है तो 1 ईयर का प्लस माइनस रहता है, तो थोड़ा सा उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। 18 वर्ष की आयु में कोई ना कोई इश्यूज आया होगा आपके जीवन में, समस्या आई होगी। उन्नीस में भी इश्यूज हैं, 20, 21, 22, 23, 24, लगातार इश्यूज लगातार बने हुए हैं आपके जीवन में, समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। 25 में जीवन को नई दिशा मिलेगी, नया कोई ट्रैक आप
लेने जा रहे हैं 25 में, और वो ज़्यादा टाइम तक नहीं है, फिर चेंज आ जाएगा, फिर 26 से आपके जीवन को नई दिशा मिलेगी। 28 में या तो आपकी शादी होगी या कोई ना कोई इश्यूज आता हुआ मुझे दिख रहा है 28 में। शादी की लाइन जो है, प्रॉब्लम क्या हुई है, कोई भी पिक आपने जो भेजी है यहाँ का मुझे बिल्कुल भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। आप एक काम करो, यहाँ का जो है ना इंक लगा करके मुझे पिक भेजना, ठीक है? उससे बेहतर ये होगा कि मुझे चीज़ें दिखेंगी तभी मैं बता पाऊँगी, अन्यथा फिर कन्फ्यूज़न रहेगा कि हाँ इस एज में शादी है, प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा फिर। तो कन्फ्यूज़न ना हो और मैं सही से बता पाऊँ, इसके लिए आपको इस पार्ट की इंक लगा करके पिक भेजनी होगी। ऐसे कब कब चेंजेस आ रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। शादी को लेकर के सिर्फ जो सवाल है किस एज में होगा, उसमें तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कोई भी लाइन्स मुझे सही से नहीं दिख रही हैं, राहु की है या शादी की है। देन आफ्टर 29 में लाइफ में बड़ी खुशी मिलने जा रही है आपको, बड़ी कोई उपलब्धि मिलेगी, बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव चेंज है। जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में वो 25 से पहले हैं, क्लियरली आप सुन लीजिए। 25 के बाद से आपके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, खुशियाँ हैं, तरक्की है और अपार सफलता है। 29 से जीवन को नई दिशा मिली। देन आफ्टर 30 में बड़ी खुशी मिलते हुए दिख रही है 30 में, और इसी क्रम में 31 के आसपास आप इन्वेस्ट करने वाले कहीं पे, और 31 में ही बड़ा ऑफशूट है, बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। आपका हाथ शानदार है, कम रुकावटों वाला है, जो भी रुकावट है 25 तक है, उसके बाद नहीं है। थर्टी थ्री में बड़ा ऑफशूट है, इन्वेस्टमेंट भी लगातार हुए जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, 33 में बड़ा ऑफशूट है, 36 में ऑफशूट है, सभी इन्वेस्टमेंट के लिए ही है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर वो प्रॉफिट देना आपको इनिशिएट हुआ है, ये सभी वही है, पैसा बहुत है आपके हाथ में। 39 में ऑफशूट है, 42 में ऑफशूट है, 43 में ऑफशूट है, माफ कीजिएगा 44 में ऑफशूट है, और इससे पहले भी 41 में भी ऑफशूट है। उसके बाद लगातार खुशियां हैं, इन्वेस्टमेंट है, कोई इश्यूज नहीं है, थोड़े बहुत यहाँ पे मुझे इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। 2-3 राहु के लाइंस हैं, एक तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है शादी है या इश्यूज़ है 28 में, दूसरा हो गया यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। ये 37 के आसपास थोड़ी बहुत इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, 34 में भी कोई ना कोई इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई तगड़ा झटका लगने जा रहा है, नहीं, जो भी समस्याएं आ रही हैं वो फिर वही है कि 3-4 दिन आपको प्रॉब्लम देने जा रहा है, महीनों का प्रॉब्लम नहीं है ये। 40 के आसपास भी थोड़े बहुत इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मेजर कोई भी प्रॉब्लम आपके हाथ में नहीं है जो आपको काफ़ी टाइम तक डिस्टर्ब कर सके। माइंड लाइन पे प्रेशर लाइन बनता हुआ दिख रहा है, देखिए काम आपका काम है, जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो ऑब्वियसली संघर्ष तो रहता है। आप जॉब में भी हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, आपके ऊपर प्रेशर रहता है, आप राज्य के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि चीज़ें आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो प्रेशर तो रहता है, तो वही प्रेशर आपके माइंड लाइन पे बनता हुआ दिखता है। अदरवाइज समस्याएं तो नहीं है आपके जीवन में, 25 तक ही इश्यूज़ हैं, 25 के बाद से कोई भी इश्यूज़ नहीं है। 28 में या तो शादी होगी या इश्यूज़ आएगा, वहाँ पे कन्फ्यूज़न है, इंक लगा करके पिक भेज दीजिए इस वाले पार्ट का, मैं 100% बता दूंगी कि कब क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं चेंजेस में शादी का भी इनके
शादी आपकी ठीक ठाक फैमिली में होगी, बहुत ज़्यादा रिच वो नहीं होंगी, आपके लेवल के ही होंगे जिस लेवल से आप बिलोंग करने वाले हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद ही शायद आप शादी करने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब के साइन तगड़े हैं, आप स्टडी पर ही फोकस रखिए। और इतनी स्ट्रांग, जब एक सिंगल लाइन हो ज़्यादा स्ट्रांग हो, अदर से ऐसे लोग इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं अपने जीवन में, कई पुस्तें इनकी बैठ के खा सकती हैं। ट्वेंटी नाइन में या 25 में जो भी जॉब लगेगी आपकी वो क्लास टू के लेवल की होगी। बड़ा चेंज आपके जीवन में 33 के आसपास से आने वाला है, जब बड़े लेवल का या 32 कह सकते हैं हम, बड़े लेवल का जॉब आपको मिलेगा क्लास वन ऑफिसर का, उसमें थोड़ा लेट है, बाकी 25 से लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। आपका मूलांक 2, भाग्यांक भी 2 ही है, यहाँ 2-2 का आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, आपके मूलांक में 2 हो या भाग्यांक में 2 हो या दोनों जगह 2 हो, ऐसे लोगों को इनके माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलता है। संघर्ष कितना भी किस्मत में लिखा हो, दूसरों आपके हाथ में हज़ारों राहु के लायंस हैं, लेकिन ये आपको उतना साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है जितना कि दूसरे लोगों की, क्योंकि बड़ी से बड़ी समस्या इनके माता पिता के आशीर्वाद की वजह से छोटी हो जाती है। मान लीजिए आपकी लाइफ में इश्यूज़ हैं, हम उसको मार्क करते हैं 70%, वो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट आपकी, मुझे लगेगा कि 70% इफेक्ट करेगा, लेकिन इनफैक्ट आपकी लाइफ में उसका सिर्फ 10 या 12% ही साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ये एक तरह से ये काफ़ी पॉजिटिव रहता है, 2-2 का आंकड़ा या 2 का आंकड़ा, यहाँ 2-2 का आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है। तो जो मूलांक है वही भाग्यांक का भी रिजल्ट होगा। आपके ग्रह स्वामी चंद्रमा है, मून है, तो उनके सभी गुण आप जातकों के अंदर पाए जाते हैं। अत्यधिक शांत होते हैं, मन से बहुत सुंदर होते हैं आप, कभी कभी, ऐसा तो हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी सपनों की दुनिया में खोए रहना आपको अच्छा लगता है। जो दिल में है वो जबान पे है, पीठ पीछे बात करने की आपकी आदत नहीं होती है, किसी के लिए भी मन में बैर पाल के रखने वालों में से आप नहीं आते हैं। खर्चीले होते हैं आप, लेकिन उतने खर्चीले नहीं होंगे क्योंकि आपकी उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। कभी कभी मन के हिसाब से या मन मुताबिक सफलता ना मिलने की वजह से आप निराशावादी जल्द हो जाते हैं, अवसाद में जाने के चांसेस बनते हैं आपके, मीन्स डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में जाने होता क्या है कि इंसान आपके, आप काबिल बहुत हैं, ये तो मैं कहना चाहूँगी कि आप ब्रिलियंट बहुत हैं। हो सकता है कि लाइफ में आपको फ़िलहाल अभी 25 या 32 से पहले वो सफलता ना मिले जिस हिसाब से आप मेहनत करें, लेकिन निराशावादी नहीं होना है, अग्रसर रहना, अपनी बात पे चलते रहना है। और आप याद रखिएगा, आप अपने जीवन में बहुत सफल होने वाले हैं। 2 और 2 का आंकड़ा बन रहा है, मून ही आपको रूल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये लोग वास्तविकता से दूर भागते हैं, रियलिटी से दूर भागते हैं। तो दूर नहीं भागना है, रियलिटी का सामना करना है, जो भी ये संघर्ष है तो है, फेस करना है, आगे बढ़ना है। आपके लाइफ में आप तरक्की बहुत पाने वाले हैं। थोड़ा सा हाँ, मैरिज लाइफ को लेकर के मुझे लग रहा है उसको लेकर के इश्यूज़ होगा, अदरवाइज़ 2-2 का आंकड़ा है, ऑस्पिशियस लाइफ है। संघर्ष कितना भी बड़ा होगा, अपने माता पिता की वजह से आप उस संघर्ष से बहुत आराम से निकल जाएंगे। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, करियर इनका गवर्नमेंट जॉब, सरकार के तरफ से जो भी सेवा या जो भी पद मिलेगा वही इनके लिए सही रहेगा, क्योंकि इनके हाथ में एक क्लास वन और क्लास टू ऑफिसर के साइन काफ़ी क्लियर है। हाँ, शादी कब होगी इसको लेकर के मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्लियर नहीं है,
इसीलिए जब आप खुद मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं क्यों बोलूँ, तो वो वाली वाला मैटर है। आप इंक लगा करके पिक भेज दीजिए। हाँ, लव मैरिज के साइन हैं लेकिन पुख्ता नहीं है, स्ट्रांग नहीं है फिलहाल, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहूँगी जब तक ये वाला सीन क्लियर नहीं होता है ना, क्योंकि लव मैरिज के मैक्सिमम जो साइन होते हैं ये वाला तो ठीक है, चलो है, लेकिन होगा कि नहीं होगा वो यहाँ से डिसाइड होता है। इसकी इंक लगा करके पिक भेज दीजिए। हाँ देखिए, एटीट्यूड अभी पूछा है कि पेरेंट्स के साथ इनका व्यवहार कैसा रहेगा। इनको सलाह है कि अपने माता पिता की ये सुने, मैरिज लाइफ में इसी वजह से डिस्टर्बेंस आते हुए दिख रही है, क्योंकि ये सुनेंगे नहीं उनकी, और वो भी इन्हीं के जैसे होंगे, थोड़ा सा तानाशाही रवैया होगा उनका भी। तो आप अपने अंदर थोड़ा सा सुधार लाइए और माता पिता की सुनिए, तब जाकर के मैरिज लाइफ आपकी बेहतर हो जाएगी। और आपका तो एक सवाल रह ही गया है ये शादी को लेकर के, उसको मुझे आंसर करना है। बाकी आपको रेमेडीज़ क्या चाहिए, किस जुपिटर के रेमेडीज़ चाहिए तो मैं वो मैं आपको भेज दूँगी, लेकिन अभी इनकेस काफ़ी कम है तो रेमेडीज़ करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इनके बदले आप खुद ही रेमेडीज़ कर लीजिएगा, इस बहुत कम है इनकी इस वजह से। ठीक है, बाय बाय।